नीत में 75 वर्ष तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना एक अलग बात है, चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। कोई भी इलेक्शन है वो हम नहीं लड़ेंगे। बयान कौन क्या है, अपने अपना सिद्धांत की बात है। जब हम बचपन में थे तो सब कोई कहते थे कि हम प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, IAS होंगे, IPS होंगे। और हमारा उद्देश्य था कि हम राजनीति में जाएंगे, और राजनीति में आए। और राजनीति में आए तो हम जब से आए तब से ही हमने कहा कि राजनीति में 75 वर्ष तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। ये स्पष्ट है, आप लोग इसी को लटपटा देते हैं। चुनाव की राजनीति 75 साल तक ही करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। जैसे उसके बाद होता है, अब MLC है, राज्यसभा है, या और सार्वजनिक जीवन में बहुत से काम हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना एक अलग बात है, और चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। तो हमने यही कहा है कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज हमारा उम्र 79 ईयर्स हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में इंसुइंग कोई भी इलेक्शन है वो हम नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, राजनीति में रहेंगे ही, काम करेंगे ही। बहुत राजनीति में काम करने का उपाय है। वही चर्चा हो गई कि राजनीति से संन्यास नहीं नहीं यही तो गलत आप लोग करते हैं चलाने के लिए। राजनीति से संन्यास होने का आदमी सामाजिक सेवा के लिए जब अपने को ढाल दिया है तो वो तो मरते मरते तक राजनीति करेगा वो, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव में होता है कि जनता की अपेक्षाएं होती है, काम करना होता है। आज आए हैं भट दिल्ली से और कल हमको जाना है गया, और क्षेत्र में 2-3 दिन जाने की बात है। खुसरूपुर में नंगा करके मारा गया है एक महिला को, वहाँ जाना है। तो ये सब सेवा है, राजनीति ये सब करेंगे। कहने का मतलब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी सारा काम हम करेंगे, हमने यही कहा है। सर, दिल्ली में आपकी बात हुई है गृहमंत्री अमित शाह से, क्या किन मुद्दों पे चर्चा हुई है? क्योंकि अभी देखिए, NDA में जब हम आए हैं तो NDA में आने के बाद औपचारिक रूप में NDA के नेताओं से मुलाकात करना फर्ज मेरा बनता है, इसलिए उनसे समय मांगा था। और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय दिया, और हम और संतोष कुमार सुमन जी पूर्व मंत्री दोनों, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री से हम लोग मिले, बिहार के राजनीति के बारे में बात किया। हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमको अपने फोल्ड में रखा है। और फिर कुछ अवसरों पर ऐसा आया है कि प्रधानमंत्री जी ने हमको काफ़ी तरजीह तवज्जो दिया है, चाहे 18 जून का मामला हो या फिर वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर का मामला हो। ये सब जगह बढ़ चढ़ करके दूसरे नेता हैं, उनसे बढ़ चढ़ करके इंडिकेट करके हमको उन्होंने कहा, हालचाल पूछा। तो ये सब बातें हुई और हमने धन्यवाद दिया। फिर भी ये कहा कि भाई, हिंदुस्तान में आप लोग NDA को इस तरह से चला रहे हैं और इस तरह आपका TR बढ़ा है, चाहे चंद्रमा पर जाने की बात हो या फिर G20 की का समिट सफलपूर्वक चलाने की बात हो या और कोई भी बात हो, ये सब में आप लोगों का TR इतना बढ़ा है कि जन जन में लोग यही अब कह रहा है कि अबरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी और बिहार में 400 सीट हम लोग जीत के लाएंगे, ऐसा करेंगे। ये हम लोग डिमांड कुछ नहीं कर रहे, जो भी होगा दशहरा के बाद यहाँ पर उन लोगों का प्रवास होगा, वहीं पर सबकी सम्मिलित बैठक होगी, उसी बैठक में तय होगा। पार्टी तो सब जगह हम लोग तैयार कर ही रहे हैं। देखें कि हमने पूर्णिया में बात किया, नवादा में रैली किया, जमुई में रैली किया, गया में रैली किया, औरंगाबाद में किया, फिर हम लोग यहाँ और जहानाबाद में करने जा रहे हैं, दरभंगा में करने जा रहे हैं। एकदम जहाँ जहाँ हमारा बेस है वहाँ वहाँ हम मजबूत कर अपने मजबूती से NDA को हम मदद करना चाहेंगे। कोई भी NDA का कैंडिडेट होगा, अगर हमारा कैंडिडेट होगा तो वही मदद करेंगे, दूसरा कैंडिडेट होगा तो वही मदद करेंगे। 400 सीट जिताने का हमारा उद्देश्य है। अब हर बात एक बड़ी टूट होगी,
दूसरी टूट तो है ही है, तो देखने रहे हैं कि अशोक चौधरी और ललन बाबू में कितनी तफरकाएँ हुई है और क्या क्या हुआ है, इसलिए है तो आपस में जब टूटू महीने में होता है तो उसको तो माना जा सकता है कि मतैक नहीं है। तो फिर आगे क्या होगा इसके लिए हम तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, बट ये जरूर समझते हैं कि आपसी तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव है वहाँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।